नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड और जीएस के सॉल्यूशन 21 था कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखो, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 2003 का। यहाँ पर आपके पास आता है 27 मई 2003। और आगे अगर हम वर्तमान में बात करेंगे कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो अभी यहाँ पर आपको मिलते हैं कौन? आर के जैन। कुछ ऐसे ही उत्तराखंड से संबंधित आयोग और उनके जो प्रमुख वगैरह हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं वर्तमान वगैरह, उनको देखते हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर आपके पास मिलता है सूचना का अधिकार आयोग। तो ये आयोग 3 अक्टूबर 2005 का, प्रथम थे आर एस टोलिया और अभी वर्तमान में अनिल चंद्र नेठा इसके मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मानवाधिकार आयोग 2011 में, देखो ये बनता 2011 में, कार्य प्रारंभ मिलता है तो 13 मई 2013 से। विजेंद्र जैन प्रथम प्रमुख थे और विजय कुमार विष्ट अभी वर्तमान इसके प्रमुख मिलते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग आता है मई 2011, अजय सेतिया पहले थे, अभी गीता खन्ना इसके क्या है वर्तमान अध्यक्ष मिलती है। और सेवा का अधिकार, देखो यहाँ पर सेवा का अधिकार अधिनियम एक आता है, तो अधिनियम तो हो जाएगा 2011 का कि उत्तराखंड विधानसभा में सेवा का अधिकार अधिनियम का पारित हुआ इस तरीके से। लेकिन आयोग अगर आता है तो ये आपका मार्च 2013 का, प्रथम आलोक कुमार जैन हो जाते हैं और वर्तमान में एस रामास्वामी इसके प्रमुख यहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है कि बैजनाथ धाम किस नदी पर है, यानी किस नदी के किनारे बैजनाथ धाम स्थित है। तो बैजनाथ ऑप्शन फर्स्ट गोमती में हो जाएगा। कई सारी जगह पर शायद सरयू परीक्षा वाणी में एक जगह कहीं पर वन लाइनर में है, पुरानी में नहीं, मैं एक बार चेक कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका ये गोमती आती है इधर से पूर्व की ओर से आती है आपका यहाँ पर क्या सरयू, ये सरयू है, ये आपके पास मिलते गोमती। दोनों का संगम जो होता है वो होता है आपके पास कहाँ पर? बागेश्वर में, सभी को पता है। अब बागेश्वर से ही पहले थोड़ा सा उत्तर की ओर, या कहें कि गोमती नदी के ही तट पर, उससे पहले ही यहाँ पर आपका क्या मिलता है, जो बैजनाथ धाम मिलता है वो यहाँ पर स्थित मिलता है। तो बैजनाथ हो गया किसके? गोमती के तट पर आपको मिल जाएगा। बाकी आपको पता है कि आगे ये सरयू के ही नाम से आ जाती है। सरयू फिर आपका किसमें? ये पूर्वी रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा नदी में जब ये मिलती है तो यहाँ पर इसका संगम रामेश्वर के नाम से, रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। फिर आगे जाके जब ये काली नदी से मिलती है, ये काली नदी है, काली नदी से जब ये संगम बनाती है कौन सी? सरयू। तो यहाँ पर आपका पंचेश्वर स्थान हम देखते हैं, पंचेश्वर, जबकि पंचेश्वर बांध वगैरह आप लोगों ने देखा होगा यहीं पर आपका बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट अगला है इंदी गार्व ऑफ नंदा देवी राजा। देखो ये क्वेश्चन ना पिछले जो गणेश सहायक वाला पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 चंद्र सिंह नेगी। तो कुछ नए प्रश्न इस तरीके से होते हैं पेपर में कि जो आपको बस केवल पेपर में दिखते हैं, तो वो प्रश्न कुछ कुछ छोड़ने के लिए भी आयोग देता है। ठीक है, तो जबरदस्ती तुक्केबाजी वगैरह यहाँ पर नहीं करनी है। बाकी ऑप्शन में आपको पता है कि ज्योति सिंह नेगी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने हिमालयन ट्रेवल्स नामक रचना लिखी है। शेखर पाठक में 3-4 रचनाएं हमने इनकी पढ़ी हैं। एक आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, इसको लिख लेंगे आराम से। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा हो जाएगी एशिया की पीठ पर, जो कि आपका क्या है कि उमा भट्ट के साथ इन्होंने लिखी है, तो वो यहाँ पर आपका मिल जाएगा। एक तीसरी हमने अभी हाल ही में प्रकाशित 2021 में पुस्तक देखी थी द चिपको मूवमेंट, ये भी आ चुकी थी। और एक आपका हरी भरी उम्मीद, ये पुस्तक भी आ रखी थी। दो एक ही पेपर में दो पुस्तकें आ रखी थी किसकी? शेखर पाठक की, इनको ध्यान रखेंगे। और एक पहाड़ पत्रिका हमने शायद पिछले पेपर में भी डिस्कस किया होगा, पहाड़ पत्रिका 1983, ये भी आपका नैनीताल से प्रकाशित की जाती है शेखर पाठक जी के द्वारा। 24 है सरमूल सोधारा भद्र तुंगा यात्रा। देखो अगर आपको ऑप्शन में ज़्यादा कुछ यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं थी, बस सरमूल आपको पता है कि सरयू नदी का उद्गम कहाँ पर? बागेश्वर में, तो ये आंसर भी आपका यहाँ पर बागेश्वर मिल जाएगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग में हमने मनना माई जात देखी, मनना माई की जात, जात का मतलब यात्रा या यात्रा वगैरह हो जाता है। उत्तरकाशी में हमने वारुणी देखा, वारुणी ये वर्णावत पर्वत वगैरह से संबंधित है, वर्णावत पर्वत की ही तलहटी पर उत्तरकाशी नगर बसा हुआ मिलता है। वर्णावत या वारुणी या पंचकोसी यात्रा आपके पास मिल जाएगी कहाँ पर? उत्तरकाशी में। बाकी कई सारी यात्राएं वगैरह हमने देखी हैं, टिहरी जनपद से संबंध हमने देखी थी पिछले पेपर में, गाड़ूघड़ा यात्रा थी, खतलिंग रुद्रा देवी थी, सहस्त्रताल मासरताल यात्रा थी। आपके पास और भी कई सारी, जैसे हम द्योरा यात्रा देखते हैं पिथौरागढ़ में, हिल यात्रा हो जाएगी, तो उसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास एक झाकर सेम यात्रा मिलती है, वो आपका कुमाऊं के कुछ जनपदों में संयुक्त रूप से आपको मिल जाएगी। हमने एक जगदी डोली यात्रा आती है, जगदी डोली यात्रा, ये जगदी डोली यात्रा टिहरी जनपद से प्रारंभ होकर राज्य के कई सारे जनपदों में भ्रमण करके वापस टिहरी जाती है। और आप लोगों ने शायद पूर्व जो आपका शिक्षा मंत्री थे इसके साथ आपका घूमते थे, कई सारी बार आप लोगों ने देखा होगा, है ना। चलिए, तो बाकी गाड़ूघड़ा आपका बद्रीनाथ से संबंधित है। हमने इसके अलावा यात्राओं में पिछले पेपर में देखा था कि नंदा देवी राजजात, वहाँ पर लंबाई पूछी जाती है तो 280 आप पढ़ चुके हो उसको। एक हमने धारचूला से मानसरोवर की भी लंबाई पढ़ी थी, 160 किलोमीटर आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अस्कोट आराकोट की हमने बात करी थी, तो अस्कोट आराकोट की लंबाई जो थी वो 1150 किलोमीटर आपके पास मिल जाती है।
25 के निम्नलिखित में से किस ताल से काली गंगा नदी का उद्गम हो। देखो काली गंगा, एक तो काली नदी है, एक काली गंगा। काली गंगा को क्या कहा जाता है? काली गंगा को वासुकी कहा जाता है, या काली गंगा को यहाँ पर आपका एक सोन गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगर आपको ये पता है तो सोन गंगा या फिर वासुकी से आप सीधे सीधे इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आंसर कर सकते हो। नलताल से तो कोई है नहीं। हाँ, डोडी ताल की अगर हम बात करेंगे तो डोडी ताल से निकलती है आपका कौन सा? असी गंगा। असी गंगा नदी इस ताल से निकलती है। अलकनंदा हमने सतोपंत ताल से होते हुए देखा। आपके पास हेमकुंड, ये लोकपाल झील आती है, वहाँ से लक्ष्मण गंगा या हेमकुंड के नाम से, उसका नाम हेम गंगा के नाम से भी रखा गया। नैनीताल की कई सारी नदियाँ हमने देखी, सोटटट्टी कुछ इस तरीके से हमने देखा था कि जो गोल था वो क्या था? पहाड़ था, गोल पहाड़ था, गरम दाब था, और जो नंदू था वो चोर था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, गोल से गोला नदी, कहाँ से? पहाड़ पानी से निकलती है। दाब से दाबका नदी, वापस कहाँ पे? गर्म पानी से। और नंदू से नंदौर नदी कहाँ से? चोर गलिया नामक स्थान से निकलती है। कोसी नदी के बारे में हमने देखा है, कोसी नदी आपका कोशानी के धारपानी धार से निकलती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जो किसी ग्लेशियर से नहीं होकर निकलती है, तो ग्लेशियर से नहीं निकलती कौन सी? कोसी नदी। दूसरा क्वेश्चन कोसी से क्या देखा था? कि कुमाऊं के क्षेत्र में धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहा जाता है, तो वहां पर भी कोसी आपका क्या था? आंसर आपको मिल जाता है। एक आपके पास यहां पर आता, देखो धौली गंगा आती है। अगर हम पश्चिमी धौली की बात करेंगे तो पश्चिमी धौली आपका कुनगुल श्रेणी से है, कुनगुल श्रेणी से, ठीक है। और अगर हम पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी धौली आपके पास मिल जाएगी कहां पर? गोवानखना। गोवानखना हिमनद से जो है ये नदी आपके यहां पर निकलती है। चलिए नेक्स्ट, अगला आपके पास है 26, कुली एजेंसी के प्रथम सचिव थे। देखो कुली एजेंसी के प्रथम सचिव की अगर हम बात करेंगे तो इसके प्रथम सचिव ऑप्शन फर्स्ट जोध सिंह नेगी यहां पर आपको मिल जाएंगे। जोध सिंह नेगी के द्वारा ही हमने देखा कि पहली कुली एजेंसी 1908 में स्थापित की गई है, ठाकुर जोध सिंह नेगी के द्वारा, और इनके द्वारा ही पहली यहाँ पर सचिव का पद भी इनके द्वारा संभाला गया। तो प्रथम सचिव ये थे, सेकंड सचिव आपका तारादत्त गेरोला मिलते हैं, और थर्ड जो सचिव यहाँ पर बने थे कुली एजेंसी के, वो यहाँ पर थे आपका सालिग्राम वैष्णव। ठीक है, वो सालिग्राम वैष्णव आपके पास यहाँ पर मिल जाते हैं, जो इसके तीसरे सचिव रहे हैं। तारादत्त गेरोला से एक क्वेश्चन और आता है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने कुली एजेंसी के कुली एजेंसी की संचालन समिति की अध्यक्षता करी थी? संचालन समिति, हाँ ठीक है, संचालन समिति की अध्यक्षता अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी किसके द्वारा? तारादत्त गेरोला के द्वारा किया गया था। कुली एजेंसी की बात करेंगे तो इसका जो प्रमुख होता था, अब ये गढ़वाल क्षेत्र में थी तो गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर था वो इसका अध्यक्ष होता था, बाकी सचिव ये आपके पास हैं। और कुली एजेंसी, एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कुली एजेंसी को 1923 में कुली एजेंसी को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला, फिलहाल कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थिति को शुरू होता है। देखो यहाँ पर एक डेट आती है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड की, 24 नवंबर 1940, शायद ओपन यूनिवर्सिटी किसी बुक में आपको ये मिलता है, तो ये आपको मिल जाती है। आपने गढ़वाल में भी डांडा मंडी में एक सम्मेलन देखा जो कि आपका किससे संबंधित होता है, जो आपका 1940 में डांडा मंडी सम्मेलन होता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह से, वो गढ़वाल का है। ठीक है, फिलहाल ये कुमाऊं वगैरह के लिए एक डेट आपके पास यहाँ पर मिलती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ हुआ। 1941 में हमने देखा कि राज्य में अगर हम प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो जगमोहन सिंह नेगी राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और महिला में भागीरथी देवी आपके पास मिल जाती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रही ये था कि सामूहिक रूप से सरकार की नीतियों का विरोध न करके बल्कि व्यक्तिगत रूप से सरकार की नीतियों का विरोध करना और अपने व्यक्तिगत गिरफ्तारी देना, वो व्यक्तिगत यहाँ पर क्या था? सत्याग्रह मिलता है। केंद्र से भी क्वेश्चन आते हैं कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही गांधी जी के द्वारा किसे चुना गया था, तो पहले थे विनोबा भावे, दूसरे आपके पास मिल जाते हैं जेएल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त उपाध्याय, दो आ चुके हैं, तीसरा कभी भी आ सकता, ब्रह्मदत्त उपाध्याय यहाँ पर तीसरे क्या थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही मिलते हैं। अगला है राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्थान, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देहरादून में आपके पास मिल जाएगा। देहरादून में हमने 14 मार्च 2001 को यूके यानी उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी देखा, और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो आता है वो आपको पता है कि 8 जून 2006 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, जैसे हम कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड देखें, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, बोर्ड परिषद एक ही चीज़ है, कभी ये मंडी परिषद के नाम से आ जाएगा, तो दिसंबर 2000 में इसको स्थापित किया गया कहाँ पर? देहरादून में। और कृषि विविधीकरण योजना भी आपको शायद पता ही होगा, मई 2001 की आपको मिल जाएगी। और दो चीज़ यहाँ पर लिखना, बीज परीक्षण प्रयोगशाला,
ठीक है, बीज परीक्षण प्रयोगशाला एक उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में और दून में, देख लें इसको, बीज परीक्षण प्रयोगशाला यहां पर आपका स्थापित मिलती है। अगला, देहरादून वन संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया? देखो वन संग्रहालय देहरादून का 1914 ऑप्शन नंबर 4 आता है, और ये आता है कि राज्य का पहला यहाँ पर क्या मिलता है, ये संग्रहालय मिलता है, प्रथम संग्रहालय। राज्य के संग्रहालय में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ जो लेटेस्ट अभी की चीजें हैं, एक आपके पास आता है लोक देवता म्यूजियम, लोक देवता म्यूजियम आता है, तो लोक देवता संग्रहालय, लोक देवता म्यूजियम, ये मनीला देवी, मनीला देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया, फॉलगोड म्यूजियम करके इसको अंग्रेजी में कहा गया है। एक आपके पास जड़ी बूटी संग्रहालय आ सकता है, क्योंकि जड़ी बूटी संस्थान सभी को पता है, जड़ी बूटी संग्रहालय ये हरिद्वार में 2014 में आपका स्थापित हुआ था, ठीक है। हमारे पास 1983 में मिलता है कौन सा, जो आपका लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल खुटानी में यशोधर मठपाल के द्वारा, इसी से याद रखना 1983 में दरबान सिंह संग्रहालय आपका लैंसडाउन में है, और गब्बर सिंह के नाम से आता तो वो आपका चंबा में आपको वहाँ पर संग्रहालय मिल जाएगा। फिर हमने महादेव वर्मा यहाँ पर आई थी रामगढ़ में, तो रामगढ़ में महादेव वर्मा संग्रहालय हमने देखा, शैलेश मटिया ने संग्रहालय देखा, फिर कोसानी में हमने पंत वीथिका यानी सुमित्रानंदन पंत जी के स्मृति में संग्रहालय वगैरह का निर्माण देखा, तो ये कुछ संग्रहालय आपके पास यहाँ पर मिलते हैं। थर्टी की रानी कर्णावती के शासनकाल में आक्रमण करने वाला सेनापति नवाजत खां किस क्षेत्र का फौजदार था? नवाजत था आपका कांगड़ा, ये आपका जम्मू कांगड़ा का फौजदार था। आपको पता होगा कि 1635 में जो हमने कोसी का युद्ध देखा था किसके साथ, महीपति शाह और तिरुमल चंद के साथ, उस युद्ध में महीपति शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, फिर यहाँ पर उनकी रानी कर्णावती जो बाद में आते हैं कौन, पृथ्वीपति शाह, तो उनके संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं 1635-36 में। आक्रमण यहाँ पर होता नवाजत खां के नेतृत्व में। अब ये कांगड़ा जो क्षेत्र था जे एंड के का, ये मुगलों के अधीन क्षेत्र था, तो इनके आक्रमणों को सीधे सीधे कहा गया कि भाई गढ़वाल पर मुगल आक्रमण हुए थे। तीन मुगल आक्रमणों का यहाँ पर जिक्र मिलता है 35-36 में, यही हो जाता है 1654-55 में, 1654-55 में यहाँ पर एक आपका आता खलीतुल्ला, खलीतुल्ला सेनापति के नेतृत्व में हुआ था, और 1656 में भी आप लोगों ने यहाँ पर शायद पढ़ा होगा इस चीज़ को भी कि कासिम खां के नेतृत्व में यहाँ पर एक और आक्रमण होता है, और इन तीनों आक्रमणों को यहाँ पर मुगलों के अधीन इनको बताया गया है। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर खलीतुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, इसी आंदोलन इसी आक्रमण में जो आपका बाज बहादुर चंद शासक थे, और साथ साथ में सिरमौर के शासक मानधाता प्रकाश इन्होंने यहाँ पर मुगलों की या फिर खलीतुल्ला की सेना की सहायता की थी गढ़वाल पर, और इसीलिए गढ़वाल युद्ध में मुगलों का साथ देने के लिए शाहजहां ने यहाँ पर बाज बहादुर चंद को बहादुर या जमींदार की उपाधि से भी यहाँ पर नवाजा है। ठीक हो जाएगा। चलिए अगला है, पौड़ी में मेलकम हेली की सभा का विरोध किसके द्वारा किया? देखो पहले बात करें मेलकम हेली की, तो मेलकम हेली जो है 1930 में हमने लैंसडाउन में एक अमन सभा का गठन देखा। इस अमन सभा को मुख्य रूप से ब्रिटिश हितेशी माना जाता है, तो ये अमन सभा के कहने पर मेलकम हेली आपका आते हैं कहाँ पर, गढ़वाल आते हैं, और 6 सितंबर 1932 को इनकी सभा होती है, 6 सितंबर 1932 को सभा होती है, और इस सभा का यहाँ पर विरोध करते हैं कौन, जयानंद भारती। यहाँ पर काले झंडे दिखाकर मेलकम हेली गोबैक के नारों के साथ साथ यहाँ पर इनकी सभा का विरोध किया जाता है। जयानंद भारती की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर 1928 में हमने क्या देखा है कि यहाँ पर मिलता है आपका गढ़वाल सर्वदलित परिषद, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया गया है। उसके बाद हमने 30 के आसपास डोलापाल की आंदोलन देखा, डोलापाल के आंदोलन का नेतृत्व भी जयानंद भारती के द्वारा मिलता है, और दूसरा हमने जयानंद भारती के द्वारा देखा था कि जयहरीखाल में या जयहरीखाल राजकीय विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में इन्होंने क्या किया, झंडा फहराया है। जहरीखाल में हमने देखा जहरीखाल झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व आता है, तो बलदेव सिंह आर्य आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और स्पेशली आता है कि जहरीखाल के राजकीय विद्यालय में झंडा किसने फहराया था, तो वो जयानंद भारती के द्वारा यहाँ पर झंडा फहराया गया था। 28 अगस्त को यहाँ पर डेट आती है, 28 अगस्त 1930 को ये जो झंडा इनके द्वारा यहाँ पर फहराया गया था। ठीक है, बी डी पांडे की बात करें तो बी डी पांडे से आपका कई बार सारी चीज़ें देखी हुई हैं। कुमाऊं केसरी इनको कहा जाता है, इन्होंने कुली बिगार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान निभाया कुमाऊं क्षेत्र में। सत्यदेव की बात करेंगे तो सबसे पहले स्वामी सत्यदेव परिवारजक या परिव्राजक वगैरह इनका नाम मिलता है। 1913 में इन्होंने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति
का इन्होंने गठन किया है। और नीचे देखो अभी क्वेश्चन भी आया था कुली बेगार के बारे में, हमने दो स्टेटमेंट पढ़े, असहयोग की पहली ईंट कहा है तो वहाँ आपका स्वामी सत्यदेव ने, और रक्तपातहीन क्रांति अगर आती है तो महात्मा गांधी ने कहा है किसको, कुली बेगार आंदोलन को। 32 एक कुमाऊं से संलग्न दुधातोली क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, देखो दुधातोली क्षेत्र में आपका जो बोली जाती है वो है मझकुमैया। दुधातोली जो श्रेणी है आपको पता है कि गढ़वाल कुमाऊं का संयुक्त क्षेत्र है, तो ऐसे ही संयुक्त क्षेत्र में मझकुमैया आ जाएगी। राठी अगर हम देखें तो राठी आपका पौड़ी जनपद में हो जाएगा, राठ क्षेत्र आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। लोहबिया की बात करें तो लोहबगढ़ जो आपका गैरसैंण वाला इलाका है कहाँ पर, चमोली में, और नागपुर या मुख्य रूप से नागपुर परगना चमोली में। लेकिन अगर हम बात करें अन्य में तो चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में भी आपके पास यहाँ पर नागपुरिया बोली बोली जाती है। बोलियाँ बहुत आसान है, कई बार पेपर में आ जाती है। सबसे आसान है पिथौरागढ़ की याद रखने के लिए कि पिथौरागढ़ आपका जो भी घाटियाँ वहाँ पर, जोहार घाटी में, जोहारी, सीरा में, सीरियाली, सोरा में, सोरियाली, इस तरीके से। लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर कुमाऊँ की जो ध्यान रखनी है उसमें आपके पास आ जाती है फलदा कोटी और यहाँ पर एक आपके पास आ जाती है रच भैंसी को नैनतालिया भी कहा जाता है। और याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये दोनों की दोनों बोलियाँ आपका नैनीताल में बोली जाती हैं। फिर काली कुमाऊँ क्षेत्र की दो बोलियाँ आती हैं, एक आती है कुमैया और एक आती है यहाँ पर आपका चौगरखिया। देखो चौगरखिया याद रखने के लिए आसान है, चौगरखिया चा से चंपावत, चा से चौगरखिया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक आपका आता है, चलो इसको और भी देख लेते हैं, हमारे पास एक आता है खसपरजिया तो खसपरजिया आपका बारा मंडल क्षेत्र अल्मोड़ा में बोली जाती है, और एक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पाली पछाई, तो पाली पछाई जिनको पता है कि पाली पछाई क्षेत्री कहाँ पर है, अल्मोड़ा में, तो बहुत आसान हो जाता है। एक आपके पास यहाँ पर आता है दानपुरिया, देखो दानपुर घाटी वैसे आपका कहाँ पर है, बागेश्वर में, तो ये आपका बागेश्वर के साथ साथ आपका अल्मोड़ा में बोली जाने वाली बोलियाँ मिलती है, ये कुमाऊँ की कुछ बोलियाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है आपके पास कि काली कुमाऊँ से बारामंडल तक के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। अब यहाँ पर स्पेशल बारामंडल की बात नहीं कर रहा है, बल्कि काली कुमाऊँ जो चंपावत वाला क्षेत्र है और अल्मोड़ा का जो बारामंडल परगना उसके मध्य वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। तो उस क्षेत्र में आपके पास सीधे सीधे यहाँ पर आ जाती है चौगरखिया, ठीक हो जाएगा। और अगर केवल बारामंडल आता है तो बारामंडल की कौन सी है, खसपरजिया हो जाती है। ये कुमाऊनी है। गढ़वाली की अगर हम बात करेंगे तो गढ़वाली में हमारे पास पौड़ी में राठी के साथ साथ श्रीनगर या आ जाती, श्रीनगर से हो जाएगा, एक सलाणी आती है वो भी पौड़ी से। सलाणी जो नदी है गंगा का पूर्वी तट है, पूर्वी तट से लगा हुआ जो आपका यहाँ पर यमकेश्वर ब्लॉक मिलता है वहाँ पर ये बोली जाती है। टिहरियाली आती है, टिहरियाली के अंतर्गत कई सारी आपने गंगा पहाड़ी देखी है जिसको गंगाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका कई सारी आपका टकनोरी हो जाता है, इसी के अंतर्गत आपका बाड़ाहाटी हो जाता है ना। इसमें चमोली की बात करें, चमोली में एक और आपके पास मिलती है लोहबिया हो जाएगा, नागपुरिया हो जाएगा, और चमोली में ही एक आपके पास यहाँ पर मिलता है बधाणी, बधानगढ़ वगैरह में बधाणी बोली आपके यहाँ पर बोली जाती है। जनजातीय बोली हमने कई सारी देखी हुई हैं, ठीक है, तो उनको रिविजन करते रहें साथ साथ में। अगला है गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास तथा उत्तराखंड के वीरभड़ नामक रचनाएं। तो ये जो रचनाएं हैं देखो, अब आपको यहाँ पर नाम इस तरीके से थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड रणवीर सिंह चौहान जी की आपको रचनाएं मिल जाएंगी। ऑप्शन पर डॉक्टर हरदर भट्ट सेलेस की बात करेंगे तो हिमालय की रोमांचकारी झलकियाँ इनकी एक पुस्तक आती है, हिमालय की रोमांचकारी झलकियाँ, ठीक है। अब हरिदत्त भट्ट सेलेस की अगर बात करें तो पिछले पेपर में ही हमने देखा था कौन सा दिवस, साहित्य दिवस, तो उत्तराखंड साहित्य दिवस भी आपका 19 सितंबर को इनकी जयंती पर मनाया जाता है। हरिदत्त भट्ट सेलेस की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य नामक पुस्तक लिखी है, जबकि हम कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य देखते हैं तो वहाँ पर त्रिलोचन पांडे का नाम आता है। गिरीश तिवारी गिरदा की बात करेंगे तो हमने इनकी कुछ रचनाएँ देखी हैं जिसमें आपके पास आ जाता है नगाड़े खामोश हैं, एक इनकी रचना आ जाती है धनुष यज्ञ, और एक यहाँ पर आती है क्या, शिखरों के स्वर। इस तरीके की रचनाएं हमने देखी थी, शंखमुखी शिखरों पर लीलाधर जगुड़ी की हो जाती है, और एक आपके पास आता है शिखरों का संघर्ष, तो निशंक जी की पुस्तक आपको मिल जाती है। बाकी मंगली डबरार हम लगातार आपका हिंदी में देख ही रहे हैं इनको। नेक्स्ट
पहला कार्बन न्यूट्रल जू, यानी कार्बन न्यूट्रल जो चिड़ियाघर। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जहां से 0% कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो ये आपको मिलता है ऑप्शन नंबर सेकंड, गोलापार हल्द्वानी में। मालसी डियर पार्क की बात करें तो सभी को पता है कि 1976 में इसको वन चेतना केंद्र के रूप में स्थापित किया था और अभी इसको 2016 में जू बनाया गया। एक आप लोगों ने मिनी जू पढ़ा होगा, मिनी जू। तो जो मिनी जू है राज्य में वो आपका मिलता है कहां पर, चिड़ियापुर में। ठीक है, चिड़ियापुर की अगर हम बात करें चिड़ियापुर कहां पर है, तो चिड़ियापुर आपको मिलेगा कहां पर, हरिद्वार में आपको ये मिलता है। 35 हंसा मंडाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हंसा मंडाल की अगर हम बात करें तो द्रोणाचार्य, ये केंद्र का द्रोणाचार्य 2001 में इनको मिला। ये भारोत्तोलन से संबंधित है, वेटलिफ्टिंग से। और इनको अगर हम राज्य स्तर के या राज्य के खेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो 2015 में इनको देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनकी पुत्री के रूप में हमने भूमिका शर्मा एक नाम पढ़ा। भूमिका शर्मा जो है वो आपका बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता से आपका संबंधित मिलते हैं। अगला है चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा। देखो चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच आपको पता लासपा, ठीक है, इनमें से आपके पास सिनला, दोनों ऑप्शन में सिनला सिनला है। तो ये आपने पढ़ा है क्या, दारमा प्लस व्यास घाटी। देखो आपके पास दारमा प्लस कुंथी घाटी अगर आती है तो दारमा प्लस कुंथी को जोड़ती है, कौन जोड़ता है, कौन सा, नामा दर्रा। और एक आपके पास आता है दारमा प्लस, दारमा के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर लिस्सर यांगटी मिलता है, लिस्सर या लिस्सर यांगटी नदी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी नदी घाटी को लिस्सर यांगटी लिस्सर कहा गया है। तो यहाँ पर आपके पास गंगाचल, गंगाचल दर्रा आपको मिलता है। पिथौरागढ़ के सबसे महत्वपूर्ण वही आपके पास मिल जाएंगे, कौन से, जो आपने देखा क्या, लिपुलेख मिलता है, बाकी शिमला वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऊंटा जयंती हमने देखा जो कि आपका तिब्बत के साथ लगे हुए मिलते हैं ना, तो बेसिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखिए, बाकी तो बहुत अच्छे से तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों की। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल सप्तश्रृंगी पर्वतों से घिरा। देखो ऑप्शन के हिसाब से आपके पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है, कौन सा, हेमकुंड, ऑप्शन नंबर थर्ड। लेकिन आपको पता होगा अगर स्पेशली अलग अलग से आता है क्वेश्चन कि गढ़वाल की कौन सी झील है जो सप्तश्रृंगी यानी 7 पर्वतों से घिरी हुई है, तो हेमकुंड। कुमाऊं की आएगी तो नैनीताल भी आपको मिल जाएगी। सतोपंत, गढ़वाल की त्रिभुजाकार 3 कोनों वाली झील मिलती है, जबकि कुमाऊं में 3 कोनों वाला कौन सा, भीमताल मिल जाएगा। नचिकेता उत्तरकाशी में, होमकुंड तो आपका अंतिम पड़ाव मिलता है नंदा देवी राजजात का, जहां पर लोगों का आगे जाना वर्जित यहां पर माना गया, तो वो होमकुंड आपको मिलता है। ठीक हो जाएगा, चलिए अगला, त्रियुगी नारायण मंदिर। तो देखो त्रियुगी नारायण आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सेकंड में। त्रियुगी नारायण है किसका, नारायण का। कई सालों कन्फ्यूजन में है कि शिव जी का, देखो शिव जी का तो विवाह वगैरह वहां पर संपन्न हुआ था, है ना। चलिए तो ये आपको मिल जाएगा रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में हमने आपका क्रौंच पर्वत पर कार्तिक स्वामी मंदिर देखा हुआ है, यहाँ पर हरि पर्वत पर हरियाली देवी भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, मैठाणा माई मंदिर या मैठाणा माता का मंदिर भी आपको रुद्रप्रयाग में मिल जाएगा। और चार धामों में प्रसिद्ध आपका केदारनाथ भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, बाकी हमने कई सारे मंदिर देखे। चमोली में हमने 2 मंदिर ऐसे देखे जिनके कपाट केवल एक बार खुलते हैं वर्ष में। कपाट खुलने का मतलब सीधे सीधे इससे है कि वर्ष में एक बार वहां पर पूजा होती है। और आपके पास यहां पर मिलते हैं एक वंशी नारायण मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन को खुलते हैं, और एक आपके पास यहां पर वाण गांव के लाटो देवता मिलते हैं जिनके कपाट जो वार्षिक नंदा देवी राजजात होती है उस राजजात के अवसर पर खुलते हैं। स्वांग नृत्य, तो स्वांग आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हिल यात्रा से हमने यहाँ पर स्वांग नृत्य देखा। एक आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, हिरण चित्तल, हिरण चित्तल नामक एक लोक नाट्य भी आपका यहाँ पर इससे हिल यात्रा से संबंधित मिल जाता है। अगर हम बात करें हिल यात्रा की तो ये नेपाल की देन मानी जाती है, और जो पशुपालन कृषि वगैरह में संलग्न वर्ग है उसके द्वारा इसको संपन्न करवाया जाता है। ठीक, चलिए, फोर्टिया की पटांगड़िया विकास मेला, तो पटांगड़िया विकास मेला आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। ठीक है, पटांगड़िया पर्यटन विकास मेला इसको यहाँ पर कहा जाता है। और अगर हम बात करेंगे ऐसे ही बंड विकास मेला एक आता है, तो बंड नाम से चमोली में है बंड विकास मेला। बाकी मेलों के बारे में कई सारी चीज़ें लगातार रिविजन कर ही चुके हैं, है ना, बेसिक में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, कई सारी चीज़ें आपने रटी हुई हैं, हमने आगे भी देखेंगे वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह कुछ होंगे तो वहाँ पर देखते हैं मेले को फिर से। 41 के राज्य के निम्नलिखित में से किस घटना को बारदोली की संज्ञा दी गई। देखो बारदोली कहा गया दोनों को, अगर हम बात करें गुजड़ू को तो गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा गया है। गुजड़ू जो है 1942, दोनों में से 1942 के हैं ये, 1942 में यहाँ पर नेतृत्व किया था राम प्रसाद नोटियाल के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया जाता है। और अगर हम बात करें सल्ट की घटना को, तो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को।
ठीक है, यहाँ पर सल्ट की घटना होती है इसको भी बारदोली की संज्ञा दी गई है। और अगर हम बात करें सल्ट की, तो सल्ट में यहाँ पर आपका शहीद हुए थे कौन कौन, गंगाराम खीमादेव वगैरह यहाँ पर आपका मिलते हैं। हेवल नदी घाटी, तो हेवल नदी घाटी आपका टिहरी में, देखो हेवल नदी घाटी को ही वहाँ पर उसी नदी के घाटी में आपको क्या मिलता है, कुजनी पट्टी। तो आपने एक कुजनी पट्टी आंदोलन पढ़ा होगा कीर्तिसा के समय 1904 में, लेकिन एक यहाँ पर हेवल नदी घाटी में सुंदरलाल भोगणा जी के द्वारा भी क्या किया गया था, 1977 में वन कटान के विरोध में आंदोलन किया गया था। वन आंदोलन या वन कटान के विरोध में अगर हम बात करेंगे, तो वन कटान के विरोध में जो आंदोलन होते हैं मुख्य रूप से 1977 आपके पास यहाँ पर मिलता है। 77 में ही हमने देखा कि राज्य क्या है, पहली बार राज्य में बंद की घोषणा हुई थी, और 77 में ही नैनीताल में हमने वन कटान आंदोलन के, वन कटान के विरोध में जो आंदोलन देखे उन्हीं में हमने नैनीताल क्लब कांड भी देखे। सेले होल का कांड यहाँ पर आपको मिलता है ना, तो वो भी 77 में मिल जाता है आपको, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलो अगला है रामडोला मेला, हाँ इसको ध्यान से देखेंगे। आपके पास यहाँ पर आता है एक तो रानीखेत, तो चलो ठीक है जगह का नाम, रामडोला आपका आता है खटीमा में, एक रानीबाग का मेला है रानीबाग। देखो रानीबाग हो गया, इसी को आपका क्या कहा जाता है, जिया रानी का मेला, या इसी को चित्रशिला का मेला कहा जाता है, तो ये आपका रानीबाग, रानीबाग स्थान का नाम भी है, ठीक है। एक रामबाग मेला आता है रामबाग, तो रामबाग जो मेला है वो आपका आ जाएगा कहाँ पर, दिनेशपुर। और दिनेशपुर आपका कहाँ पर मिलता है, ऊधम सिंह नगर में, ठीक। बाकी रामडोला हो जाएगा तो खटीमा में मिल जाएगा। यहाँ पर रानीखेत में तो आपका रानीखेत हमने झूला देव पर्वत पर देखा था, और झूला मंदिर है यहाँ पर, झूला मेला अगर आता है तो आपका चंपावत में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, फिलहाल निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, देखो इसमें सुमेलित जो नहीं है, तो हम लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसका आंसर है, क्योंकि सालम की अगर हम बात करेंगे तो सालम क्षेत्र आपको मिल जाएगा कहाँ पर, अल्मोड़ा में, तो ये अल्मोड़ा में आपका स्थित हो जाता है, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर आपका छोलिया देखा हुआ पिथौरागढ़ में, किरजी यानी कंडाली महोत्सव देखा हुआ है, महेशानी यहाँ पर देखा हुआ ऑप्शन फोर्थ में आपके पास है, कंडाली हो गया, ठीक है किरजी। एक हमने गवला देव देखा जो भोटन जात से संबंधित मिलता है। चंपावत में दीप महोत्सव कहीं पर, शायद इसी को या कोई और है पता नहीं, देवी महोत्सव आ जाता है। और एक यहाँ पर महोत्सव और आता है कौन सा, सूर्यषष्ठी, सूर्यषष्ठी मेला है, सूर्यषष्ठी उत्सव भी आपका चंपावत में मिलेगा। 45 है बिछुआ नामक आभूषण शरीर के किस अंग में, बिछुआ होता है आपका पैर में, ऑप्शन नंबर सेकंड, बिछुआ या पोलिया, पोलिया आप लोगों ने सुना होगा, इसी को पुलिया भी कहा जाता है, पुलिया, तो ये आपका पैर में हो जाएगा। पैर में ही हमने पौला देखा, नहीं पौला नहीं, पौला तो गले में है, पौटा, पौटा हो जाएगा। यहीं पर आप लोगों ने सुदमन देखा हुआ है, सुदमन, यहीं पर आपने झिवरा, झिवरा, अमृति तार या इमरती वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। हाथ की बात करेंगे तो हाथ में, बाजू में आपके पास पौंछी हो जाएगा, कलाई में पौंछी, बाजू में हमने आपका गोखले देखे हैं, गोखले, हाथ में आपके पास गुंठी या ठुआक आ जाता है, ठीक है। कान की बात करेंगे तो कान में हमारे पास क्या है, कर्णफूल, झुपझुपी हमने देखा हुआ है, साथ साथ में एक देखो यहाँ पर कंफ्यूज करता है, मुदुड़े। जब हम पहली बार इन चीज़ों को पढ़ते हैं नए नए, जब हम तैयारी में होते हैं तो हमें लगता है मुदुड़े तो, मुदुड़े तो यार मुदुरी बोलते हैं हाथ में, लेकिन मुदुड़े कान में है। ऐसे यहीं पर आपका गोरख, आपको याद रखना है, गोरख कान में, गोखले आएगा तो आपका हाथ में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपका बुजनी आ जाता है, बुजनी, बुजनी, एक यहाँ पर तुग्यल आ जाता है, बुजनी तुग्यल, है ना। नाक की बात करेंगे तो नाक में देखो बीरा, बीरा याद रखना, बीरा बीड़ वगैरह यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नाक में फुल्ली हो जाता है, बुलांक हमने देखा, बिसार आपका आ जाता है, बिसार या हाँ बिसार, ठीक, बिसुआर एक अलग चीज़ है, वो चावल का आटा वगैरह आपके पास मिल जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखें इन चीज़ों को। अगला है किसके लिए कुमाऊँ का मुकुट रहित राजा एक लोकप्रिय उक्ति थी, तो मुकुट रहित राजा यहाँ पर रेमजे को कहा गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, इनकी नीतियों के लिए इन्होंने जो कार्य वगैरह यहाँ पर किए हैं उनको यहाँ पर कहा गया, ठीक है। अगर हम बात करें कुमाऊँ में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल, तो कुमाऊँ में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल बैटन के काल को कहा गया है। हर्षदेव जोशी तो आपको पता है, हाँ शिरोमणि जोशी की अगर हम बात करेंगे तो जो शिरोमणि जोशी थे वो उद्योग चंद के सेनापति आपको मिलते हैं। तीन सेनापति आप लोगों ने यहाँ पर इनके देखे हैं, जो आपके पास क्या मिलते हैं, हीरू देवा, जो आपका मेसी साहू, और तीसरे मिलते हैं शिरोमणि जोशी। अलग कतुरी प्रशासन में भूमि का, भूमि की नाप जोख करने वाला अधिकारी, तो भूमि की नाप जोख करने वाला यहाँ पर प्रमातार, और देखो प्रमातार को ही ना प्रभातार यहाँ पर लिखा, कहीं पर प्रमातार मिलेगा, तो इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्र का मतलब होता खेत, ठीक है, तो ये क्या था, खेत वगैरह से संबंधित था, खेत किससे, कृषि थे, तो कृषि भूमि,
कृषि भूमि संरक्षक के रूप में आपके पास यहाँ पर ये पद मिल जाता है। प्रांतपाल की बात करेंगे तो प्रांत आपका यहाँ पर क्या था, ये सीमा का प्रहरी, सीमा प्रहरी मिलता है। उपचारिक, उपचारिक को एक और नाम मिलता है पट्टकोषचारिक, उपचारिक या पट्टकोषचारिक इसका एक और नाम मिलता है। और ये करता है ये आपका, इसका काम क्या होता है, भूमि के भूमि अभिलेख रखने वाला ही आपके पास मिल जाता है। ठीक है, कुछ पद आते हैं सूपकारपति, अभी हाल ही में पेपर में आया तो ये चीज़ें सभी को रट जाती हैं, भले वो आपका पंवार में नहीं था, पंवार में आ गया था, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत आसान है। ठीक है, दोनों में यानी दोनों की बात कर रहा हूँ, कत्यूरी और पौरव की, जो ताम्रपत्रों में कई सारे नाम सेम मिले हैं, जैसे आपका वहाँ पर एक आपका मिलता प्रतिहार। तो देखो प्रतिहार क्या है, प्रतिहार प्रत्येक जो आएगा उसको हार चढ़ाएगा, ये द्वार रक्षक था और द्वार पर जो भी आगंतुक होता था उसके स्वागत के लिए इसको यहाँ पर रखा जाता था। हमारे पास दिविर या दिविरपति आता है तो दिविर या दिविरपति लेखक वर्ग का प्रमुख हो जाता है। एक आपके पास यहाँ पर संधि विग्रहिक हमने पढ़ा है, ये दोनों में समान है तीनों अभी तक, संधि विग्रहिक या संधि विग्रहाधिकृत आता है तो ये आपका यहाँ पर विदेश मंत्री को कहा गया। विदेश मंत्री इसका मुख्य कार्य क्या होता था, देखो संधि हो रही है तब भी नेतृत्व करेगा, विग्रह यानी युद्ध हो रहा है तब भी नेतृत्व करेगा। एक देखो राजकुमार के लिए आपका शब्द आता कुमार, कुमार शब्द आता है तो राजकुमार, और कुमारामात्य, आमात्य आता है मंत्री के लिए, तो राजकुमार का जो मंत्री होगा, राजकुमार का प्रमुख मंत्री, उसको कुमारामात्य यहाँ पर कहा गया। कुछ चीज़ें कत्यूरी में स्पेशली आपके पास मिलती है, हमने एक यहाँ पर गौलमिक शब्द देखा, गौलमिक, तो गौलमिक पैदल सेना को यहाँ पर कहा जाता है। ऐसे ही हमने एक यहाँ पर सर्वभंग देखा, लिख लेंगे इन चीज़ों को रोक रोक के वीडियो को, सर्वभंग आपका राजकीय चिकित्सक यहाँ पर आपको मिल जाता है। एक हमने आपका यहाँ पर क्या देखा, जो घट्टपाल मिलता है, घट्टपाल, जो घट्टपाल था वो आपका गिरिद्वारों का रक्षक यहाँ पर मिलता है, गिरिद्वारों का रक्षक। एक नरपाल था जो घाट अधिकारी के रूप में इसकी नियुक्ति की गई थी, है ना। तो ये कुछ चीज़ यहाँ पर आपका केवल कत्यूरी में मिलती है, इनको ध्यान रखें, रिवीजन रखें बहुत अच्छे से। 48 की सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ मिलता है कि मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। अगर हम इस फोर्थ की बात करेंगे, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, तो ये शेर सिंह पांगती जी की रचना यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, शेर सिंह पांगती। आरएसटोलिया में हमने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल देखा, पटवारी घराट और चाय यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में आरएसटोलिया जी के द्वारा 15 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड ऐसा कुछ यहाँ पर आपका लिखा गया है। सेंट्रल हिमालय डॉक्टर MSS रावत जी की, है ना। ऑप्शन सेकंड देखो, मेघदूतम का गढ़वाली अनुवाद आचार्य धर्मानंद जमलोकी का, लेकिन अगर मेघदूतम का कुमाऊनी अनुवाद आता है तो ये यहाँ पर मिल जाएगा किसके द्वारा, लीलाधर जोशी के द्वारा, लीलाधर जोशी के द्वारा यहाँ पर क्या मिलता है, इसका अनुवाद मिल जाता है। और बसंती देवी का नंदा के जागर आप लोगों ने पढ़ा है, जागर गायिका के रूप में मिलती है। 2017 में इनको पद्मश्री भी यहाँ पर दिया गया है। अगला है 49, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन का मुख्यालय, इसका मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर सेकंड अल्मोड़ा में मिल जाएगा। ठीक है, नैनीताल की अगर हम बात करेंगे तो नैनीताल में सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंटल एसोसिएशन वगैरह कुछ आ जाता है। पौड़ी के फिलहाल श्रीनगर में इसमें लिख लेंगे उच्च स्तरीय पादप शोध संस्थान, जो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर मिलता है 1979 का, वो आपका श्रीनगर में हो जाएगा इसकी। हाँ ठीक है, दूसरा चमोली में, चमोली में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान आता गोपेश्वर में 1989 का, इसकी दो शाखाएँ आपका उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में भी स्थापित की जा रही है। और अभी हमने देखा जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान आएगा तो यहाँ पर है, जड़ी बूटी संग्रहालय आता है तो वो आपका हरिद्वार में 2014 का आपको मिलेगा। 50 खलीतुल्लाह के नेतृत्व, ये हम देख चुके हैं आपका पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है महादेवी कन्या पाठशाला, तो महादेवी भटनागर के नाम से महादेवी कन्या पाठशाला 1902 में स्थापित मिलता है देहरादून में। अगला उत्तराखंड के किस संस्तर में चूना पत्थर पाए, देखो संस्तर एक लेयर को कहा जाता है जो चट्टानों की लेयर है, और क्रोल प्रकार की चट्टानों में, जो चट्टान है क्रोल प्रकार की उसमें आपको चूना पत्थर वगैरह सेल वगैरह सिस्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिलती हैं, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यही क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा यूनिक वाली चीज़ें हैं ना, और हम जब नए क्वेश्चन के पीछे भागते हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखते, वो पेपर में आके दिखते हैं। तो फिलहाल नए चीज़ों के पीछे पेपर के टाइम पर तो बिल्कुल मत भागें। अगले राज्य में उत्पादित मंडवा अनाज का निर्यात, तो मंडवा का अनाज आपका जापान में होता है। ठीक है, फ्रांस में हम आपका एक झूला झूला घास मिलता है, झूला एक जंगल अगर आप लोग गए होंगे गढ़वाल कुमाऊं में, तो थोड़ा हाइट पर जाकर आप बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जहाँ से आपने कभी जिसको घास वगैरह के लिए नहीं काटा है ना, तो उस पर झालर टाइप की बनी रहती है, सेवाल हम बोलते हैं गाँव में उसको, तो सेवाल को ही झूला कहा जाता है, झूला
झूलता है ना। चलिए नेक्स्ट अगला है, वर्ष 2020 में किस स्थान पर राज्य का दूसरा साइबर थाना, देखो पहला साइबर थाना तो देहरादून में 2015 में हो जाएगा, फिर दूसरा रुद्रपुर में 2021 जो 1 जनवरी 2021 को स्थापित किया गया, यहाँ पर एरोमा पार्क वगैरह आप लोगों ने देखा पहला, हाँ हल्द्वानी में, दूसरा बालमित्र थाना, पहला बालमित्र थाना ये भी देहरादून में आपको मिलता है। अगला है 55, उत्तराखंड जल नीति को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी, उत्तराखंड जल नीति 2019 की मिलती है। जल दिवस की अगर हम बात करेंगे तो जल दिवस भी हम देख चुके हैं आपका, अभी जल दिवस कब का है 25 मई का। नीतियों में हमने कई सारी नीतियाँ देखी हैं, खनन 2001 की हो जाएगी, प्रथम औद्योगिक भी 2001 जबकि नई औद्योगिक 2003 की मिल जाएगी, सौर ऊर्जा नीति देखिए 2013 फिर संशोधित 18 में मिलती है, लेकिन नई वाली अभी हम बात करें तो नई सौर ऊर्जा अभी 2023 के बजट में भी इसको नए रूप से दिया गया है। ठीक है, आपके पास मिलता है 2018 में बहुत सारी चीज़ें जैसे बायोमास आधारित मिल जाती है, पर्यटन से संबंधित भी यहाँ पर एक नीति जारी हुई थी, और हाँ याद रखना इसलिए आवश्यक है 18 वाला कि 18 में ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, अगर होटल रोपवे और साहसिक पर्यटन आता तो इसको 2008 में, ठीक है, और बाकी यहाँ पर 18 में संपूर्ण पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। हमारे पास कृषि और युवा 2011 में मिल जाएगी दोनों, मत्स्य नीति 2002 की है, पौधरोपण 2006 में मिल जाएगी, है ना। चलिए तो फिलहाल किसी को डिवीजन में रखें। अगला आपके पास है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, देखो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पर्यावरण संरक्षण वाला वह 1986 का, 1986 में दो और चीज़ें, एक यहाँ पर आता है आपका क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देखो जो उपभोक्ता संरक्षण वाला है वैसे तो 86 का पहला है, अभी जो नया अगर आता है तो 2019 आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको ध्यान रखेंगे इससे ज़्यादा। दूसरा 1986 में आपके पास यहाँ पर क्या है बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम को निषेध किया गया है, आर्टिकल 24 भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसी के तहत यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया है जिसमें बाल श्रम को निषेध किया गया है। 1976 में दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा क्या बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम, और 1976 में आपके पास क्या है समान वेतन, समान वेतन वाला जो अधिनियम आता है वो भी 1976 में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ 72 में वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण 72 में, जबकि वन संरक्षण अगर आता है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आपको मिल जाता है। कुछ और चीज़ें हैं जो अभी हाल में एक पेपर में भी आया था, ठीक है, अगर हमारे पास जल प्रदूषण निवारण एवं जल प्रदूषण का अधिनियम आता है नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम तो 1974 का मिल जाएगा, जबकि वायु प्रदूषण पेपर में आ चुका 1981 का, जैव विविधता पूछा जा चुका है 2002 का, आईटी एक्ट जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी ये भी 2000 का, लेकिन आरटीआई अगर आता है तो वो सूचना का अधिकार 2005 का आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, हमने 1993 में मानवाधिकार आयोग अधिनियम यहाँ पर देखा हुआ है, और अधिनियम में हमारे पास आ जाता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का, कन्फ्यूज नहीं होना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जबकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आएगा तब है वो जो आप सोच रहे हो 1856 कैनिंग के काल का। इसके अलावा भी हमने कई सारे अधिनियम देखे जैसे 61 में दो मिलते हैं, प्रसूति प्रसुविधा यहाँ पर मिल जाता है, और दहेज दहेज निषेध अधिनियम भी आपका 1961 में आपके पास मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला है आजीवक संप्रदाय की स्थापना, तो आजीवक संप्रदाय के प्रमुख यहाँ पर मखिल पुत्र गोसाल माने जाते हैं, बाकी अगर हम इनकी बात करें रामानुजाचार्य की तो रामानुजाचार्य वैष्णव धर्म से संबंधित विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद एक यहाँ पर द्वैत एक वाद था एक संप्रदाय था उसके संस्थापक माने जाते हैं। याद इस तरीके से रखना कि विशिष्ट है राम, और भी चीज़ें हमने देखी थी डी एम, डी से केवल डी है यानी एक द्वैत है, द्वैतावाद से एम से माधवाचार्य हो जाएंगे, ऐसे हमने डी डी एन दूरदर्शन न्यूज करके याद रख सकते हो, दो द्वैत डी आ गए तो द्वैत नहीं बल्कि द्वैता द्वैत हो जाएगा, और एन से निम्बकाचार्य हो जाएंगे, एक हमने सुलभ देखा था सुलभ, सु से हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद, और लव से वल्लवाचार्य हो जाएगा, और लास्ट में आपको याद एक रखना है अद्वैतवाद से शंकराचार्य आपको मिल जाते हैं, बाकी इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 53 पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित, पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर 4 शिलोंग में मिल जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम वैसे 1971 का मिलता है, 72 में इसकी अस्तित्व में आया था, लेकिन फिर से एक बार पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, वहाँ पर 72 ऑप्शन में नहीं था तो 71 को ही वहाँ पर उसका आंसर माना गया है पूर्वोत्तर परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद भी यहाँ पर एक चीज़ आती है, अंतर्राज्यीय परिषद आपका कई बार क्वेश्चन आता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा, तो भाई वो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता यहाँ पर गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो आपका क्षेत्रीय परिषदें मिलती हैं। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद नहीं सॉरी क्षेत्रीय परिषद था वो, अंतर्राज्यीय परिषद तो अलग हो गया 263 वगैरह में हमने देखा, वो क्षेत्रीय परिषद थी। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति, अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा।
अगला आपके पास यहाँ पर मिल जाता है, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति नियंत्रण रखने का, मुद्रा नीति वगैरह से लक्षणाध्यक्ष था, मुद्राध्यक्ष ज़्यादा कुछ नहीं था, मुद्रा वगैरह का विभाग का प्रमुख मिल जाता, सीताध्यक्ष। देखो सीता कहा गया कृषि भूमि को, तो कृषि भूमि का, कृषि भूमि से संबंधित अधिकारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीताध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये नापतोल अधिकारी, नापतोल नियंत्रण अधिकारी यहाँ पर आपके पास मिल जाता है। अगला है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, देखो अदृश्य बेरोजगारी जो दिखती नहीं वह कृषि क्षेत्र में, अदृश्य बेरोजगारी को ही क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगना नक्स के द्वारा दिया गया था, है ना। कृषि में ही एक और प्रकार की आपके पास बेरोजगारी मिलती है, मौसमी बेरोजगारी, जहाँ पर किसी विशेष मौसम में विशेष समय पर रोजगार मिले और फिर विशेष समय पर ना मिले, जैसे बुआई के टाइम पे मजदूरों को कार्य मिल जाता है बोने का, खेत पे गन्ना वगैरह लगाने का, जो भी कुछ खेती होगी, है ना, उसके बाद उसकी गुड़ाई के टाइम पे, कटाई के टाइम पे, फिर बाद में बेरोजगार। उद्योग के क्षेत्र में भारत में सबसे संरचनात्मक आती है, संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक मात्रा में भी पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में मिलती है, जहाँ पर आपको रोजगार मिलना या न मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, निश्चित कंडीशन नहीं होती है। आपको पता है कि कंपनी वगैरह में क्या होता है कि भाई अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो ठीक है, रोजगार दो लोगों को, कंपनी घाटे में तो अगले दिन आपको पर्चा पकड़ा देंगे, बोला भाई जाओ घर जाओ, कल से मत आना, ठीक है आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए डर के मारे सब फिर क्या है, सरकारी के पीछे भागे भागे अपने समय यहाँ पर दे रहे हैं ना। चलिए अगला है, पृथ्वी का औसत व्यास, देखो औसत व्यास की बात की, औसत मतलब देखो एक तो आपके पास हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, जो भूमध्य रेखा पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला विषुवत रेखा पर हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पर। उसके बाद ऑप्शन थर्ड की बात करेंगे तो 12,713.6 ऐसा कुछ यहाँ पर आपको ये मिलता है, ये ध्रुवीय व्यास हो जाता है, ध्रुवीय यानी जो ध्रुवों पर है, और दोनों का औसत निकाल के इसका 12,742 आपको मिलता है। अगला है कि कौन सी एक सतह से सतह मार करने वाली नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड अस्त्र हो जाती है, ये आपका क्या है, सतह से आकाश में, सॉरी हवा से हवा, हाँ हवा से हवा आपका मार करती है, ब्रह्मोस। और इसके साथ साथ एक बराक आपके पास मिलती है, जो कि दागो और भूल जाओ प्रणाली पर आधारित मिसाइलें आपको मिलेंगी। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 1976, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 1976 वाला, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 इसको लिख लेंगे, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 में ये आपको मिलेगा। हालांकि राजा उनकी लोककला का संबंध, तो यहाँ पर आपको देखा होगा कि अपहन भी बिहार में, और गोदना भी आपके पास कहाँ पर मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा। एक मांडना मिलता है, तो मांडना राजस्थान में, ठीक है, मेहंदी अगर आपके पास आता तो मेहंदी भी राजस्थान में हो जाएगा, हाँ रंगोली महाराष्ट्र की आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए एक चौक पूर्ण है यूपी की, नेक्स्ट अगला, प्रियदर्शी का रत्नावली तथा नागानंद, ये आपका हर्षवर्धन की मिल जाएंगी, जबकि बाणभट्ट की आपके पास एक क्या है, हर्षचरित कादंबरी यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है, नारकोंडम ज्वालामुखी, देखो नारकोंडम एक आपका भारत में क्या है, सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी, जो कि उत्तरी अंडमान में आपका मिल जाता है। मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान में क्या है, बैरन नामक ज्वालामुखी मिलता है, जो कि क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी भारत में है, ठीक है। मध्य अंडमान की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप आपके पास क्या मिल जाएगा, मध्य अंडमान आपको मिल जाता है। अगला, भारत में जीएसटी परिषद, देखो जीएसटी परिषद पूछा गया था, जीएसटी तो लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में, लेकिन जीएसटी परिषद आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, 12 सितंबर 2016 को। और जीएसटी परिषद में क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी परिषद आर्टिकल 279 का ए आर्टिकल, इसमें आपको ये मिल जाएगा जीएसटी परिषद, और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता पूछी जा चुकी है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने करी है, मतलब कौन करेगा, भारत के वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत संविधान नागरिकता का संबंधी प्रावधान, तो नागरिकता का भाग दो में ही आपको मिल जाएगा, एकल नागरिकता है भारत में जो कि ब्रिटेन से ली गई है, भाग तीन में मौलिक अधिकार हो जाते हैं, 4 में डीपीएस पे और 9 में पंचायत, 9 का फर्स्ट में नगर निकाय भी और 9 का सेकंड में आपको सहकारी समिति वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला 69, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये देखो हमने अभी हाल ही में भी इन चीज़ों को पढ़ा है, हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 रंगराजन समिति जो आपके पास मिल जाती है, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। अगर हम बात करें हथकरघा उद्योग की, तो हथकरघा से कौन सी है, मीरा सेठ समिति यहाँ पर हथकरघा आपको मिल जाएगी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, देखो दो क्वेश्चन आते हैं, एक एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर तो बहुत आसान है कि एलोरा राजकोट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम
प्रथम में तो ये आता है आपके पास, क्या आ जाएगा प्रथम में, जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, या इनको हम कहें कि एकाश्म रथ मंदिर भी इनको कहा जाता है, पल्लव शासक हैं ये भी और ये भी, इनके द्वारा भी आता है। देखो यहाँ पर क्या आता है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तब यहाँ पर नरसिंह वर्मन द्वितीय आ जाते हैं, दोनों पल्लव शासक हैं। इसके अलावा हमने तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर देखा, तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर जो है उसी बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राजराजेश्वर चोल शासक थे, राजा राज प्रथम, उनके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। बाकी इसके अलावा हमारे पास खजुराहो पूछे जाते हैं जो कि चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित मंदिर मिलते हैं। पालनी पहाड़ियाँ, देखो पालनी पहाड़ियाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आपने नीलगिरी वगैरह देखा, नीलगिरी में दो क्वेश्चन आते हैं कि नीलगिरी क्या है, मतलब जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है उन दोनों के मिलन बिंदु के रूप में भी आपको नीलगिरी यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे ऊँची चोटी डोडा बेटा यहाँ पर मिल जाती है, नीलगिरी की डोडा बेटा, ठीक है। पूर्वी घाट की बात करेंगे, देखो दो क्वेश्चन आते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी, तो फिलहाल देखो ऑप्शन में आता है क्या, महेंद्रगिरी, ठीक है। लेकिन अगर महेंद्रगिरी ना आए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिंदगढ़ा भी आपको यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी मिलती है, महेंद्रगिरी से ऊंची है जिंदगढ़ा। पश्चिमी घाट को हमने दो भागों में बांटा, उत्तरी की अगर हम बात करेंगे उत्तरी सह्याद्री की, तो यहाँ पर आपके पास महाराष्ट्र में कालसुबाई आ जाएगी, और दक्षिणी की बात करेंगे तो दक्षिणी में आपके पास क्या कुद्रेमुख मिल जाती है, और केवल दक्षिण भारत की अगर हम बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तब अनामुडी अनेमुडी मिल जाएगी, ठीक है। तमिलनाडु में दो एक सेवराय की पहाड़ी भी आपको मिल जाएगी तमिलनाडु में। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, एक आपके पास नीलगिरी तो यहाँ पर, लेकिन नीलांचल पहाड़ी अगर आती है तो नीलांचल आपका असम में मिल जाएगी, जो कामरूप वगैरह यहाँ पर आपको मंदिर मिलता है, और इलायची वगैरह इसको ध्यान रखना केरल में इलायची की पहाड़ी कार्डेमम हिल्स मिल जाती है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका यहाँ पर षणमुखम शेट्टी का 1947 में हो जाएगा, जिन्होंने जॉन मथाई किया 1950, ये गणतंत्र भारत का पहला बजट था। बाकी 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट भारत का पेश किया गया है, और ओसुवन स्मिथ कौन थे, ये तो पहले गवर्नर मिलते हैं आरबीआई के, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन फोर्थ प्रारूप समिति के सदस्य यहाँ पर आपके पास नहीं मिलते। प्रारूप समिति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास 1947 को ये आपका गठित हुई थी, और इसने जो है आगे जाके आपका जो यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी थी अपनी, वो मिलती आपको 21 फरवरी 1948 में। अध्यक्ष यहाँ पर सबसे बड़ी समिति बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में थी, और हाँ बी आर अम्बेडकर से हमने क्वेश्चन देखा हुआ है कि संविधान सभा में इनका चुनाव कहाँ से हुआ था, आंसर आता है मुंबई। कभी मुंबई ना आए तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, पूर्वी बंगाल, कभी भी पश्चिमी बंगाल मत करना, ध्यान रखना पहले वो पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, फिर पूरी बंगाल पाकिस्तान में चले गया, तब जाके इनको फिर आपका मुंबई से लड़ना पड़ा था। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान, देखिए घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान क्या हो जाएगा, घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, ठीक है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर भी ये क्या है, घटता है, ठीक है। अगर हम बात करें घूर्णन की बात कर रहे हैं तो घूर्णन वगैरह देखो, जब हम घूर्णन करते हैं ना, माना एक बॉल आपने ऐसे स्विंग करी, बॉल घुमाई नीचे, तो आपने देखा होगा कि जो उसका ध्रुव यानी सबसे ऊपर और नीचे वाला हिस्सा होगा वो स्थिर सा दिखता है, यानी वहाँ पर घूर्णन क्या है, कम है। तो घूर्णन कम है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा, और जो उसका बॉल का बीच वाला हिस्सा होगा ना वो जल्दी जल्दी घूम रहा होगा, उसकी घूर्णन गति ज़्यादा होती है वहाँ पर न्यूनतम, यानी विषुवत रेखा पर वो न्यूनतम होता। अगला 75 किस अधिवेशन के तहत भारत में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, आपको पता ही है 1919 में वोट का अधिकार दिया गया था, भले इसका प्रयोग 1926 में किया गया महिलाओं के द्वारा। अगला है, यहाँ पर कुछ विकल्प आपके पास हैं लेकिन इसमें दो ऑप्शन गलत थे, एक तो आपको पता जैव विविधता अभी हमने अधिनियम देख लिया आपका 2002 का मिल जाता है, और लाल पांडा परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो 1992 नहीं 1996 में आपके पास मिलेगा। अगला भी आपका वही था सुमेलित असुमेलित वाला, तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि प्रथम महिला जो सत्र न्यायाधीश के रूप में जिन्होंने कार्य किया, तो यहाँ पर सत्र न्यायाधीश में आपके पास कौन मिल जाएंगी, अन्ना चांडी। ये लीला सेठ की बात करेंगे तो हिमाचल में ये हाई कोर्ट की प्रथम महिला थी, और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो फातिमा बीबी वहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि लोकसभा महासचिव, तो ठीक है लोकसभा की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मिलती है, आपको पता है मीरा सेठ हो जाएंगी, दूसरे आपके पास कौन से, सुमित्रा महाजन। 78 की संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका कहा गया ऑप्शन फर्स्ट सुरक्षा परिषद को, और इसको कहा गया क्या, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। ध्यान रखना जो सभा सभा से याद रखना, हम लोकसभा देखते हैं राज्यसभा देखते हैं, ये इनका संबंध है संसद से, तो महासभा को यहाँ पर क्या है, विश्व की लघु संसद कहा गया है,
ठीक है, और सुरक्षा परिषद, सुरक्षा कौन करेगी? पुलिस। तो इसको जो है आपका क्या कहा गया, दुनिया का पुलिसमैन इसको कहा गया, किसको? सुरक्षा परिषद को। अगला है सुमेलित, नहीं है तो फिर से यहाँ पर सुमेलित वाला था, तो सुमेलित ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड, हाँ, विश्व पर्यटन संगठन, तो विश्व पर्यटन संगठन आपका कहाँ पर है? मैड्रिड में आपको ये मिलता है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, बिल्कुल स्पेन में है ना मैड्रिड। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद किसके अधीन कार्य करता है? तो ये भी आपका महासभा के अधीन कार्य करता है, अभी तो देखा ना व्यवस्थापिका यही तो है, और जो ये है ना ये आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये आपका 2006 का मिलता है, यानी UNHRC इसको यहाँ पर कहा गया शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट अगला है कि भारतीय लोह, अच्छा लोह नहीं था ये, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन, ये लोह की जगह पर उसमें लुसेंट में लाह दे रखा है, इसलिए इसको लोह किसी के द्वारा जो टाइप करते हुए लिखा गया वो लाख है, और लाख का कीट आप लोगों ने, लाख एक उत्पाद होता है जंतु उत्पाद, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर जैसे बोर्ड के पेपरों को सील मरती थी, या फिर आपका वो होता था क्या बोलते उसका नाम, जो सील वगैरह मलते तालों वगैरह पर, कई बार आपने जैसे कोई ठेका सीज कर दिया सरकार ने, पुलिस वालों ने इस तरीके से, तो उस पर जो सील लगती है ना वो लाख वगैरह से, तो वो रांची में आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगला कि कौन सा दिवस सुमेलित है, अच्छा कौन सा सही सुमेलित है ये पूछ रहा है आपको, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमारे पास क्या विश्व उपभोक्ता दिवस आता है, विश्व वाला इसी के आगे लिख लेंगे, तो ये 15 मार्च को आपके पास मिल जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, देखो पर्यावरण दिवस तो 5 जून को, लेकिन पर्यावरण संरक्षण आपके पास 26 नवंबर को मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें इसकी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता की, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता कब है? 8 सितंबर को आपको मिल जाता है। 83 की लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की देन यहाँ पर मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ा जो लिखित संविधान मिलता है वो किसका है? हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान। इटली के एकीकरण में शामिल नहीं था, तो ये आपका वोल्टेयर मिलते हैं। मेजनी को इसका जनक माना जाता है, गैरिबाल्डी, इटली के एकीकरण की तलवार, और अगर नाम आए तो तीनों के नाम यहाँ पर मिल जाते हैं, गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूर। हालांकि इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, ये कराची अधिवेशन 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार पटेल ने यहाँ पर अध्यक्षता करी है, और यहाँ पर हमने देखा है कि सरदार पटेल की अध्यक्षता में यहाँ पर क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले की गई थी, बेलगांव गांधी जी के द्वारा 1924 में पहला एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की गई। लाहौर की बात करें तो लाहौर 1929 जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना, बम्बई में तो कई सारे आपका मिलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, अभी जो रीजनिंग होगा कंप्यूटर होगा वो आपको यूट्यूब वगैरह पर मिल ही गया होगा, है ना, ज़्यादा कुछ था नहीं, रिवीजन के लिए चीज़ें थी, सारे पेपर अभी तक पुराने थे। आपके जिनका पेपर है, पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। सबसे पहले चीज़ पेपर में ध्यान ये रखनी होती है कि भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी कि घर आके आपको लगे कि मुझे आते हुए क्वेश्चन गलत हो। दूसरा, बहुत सारों का सवाल रहता है कि मेरिट कितनी जाएगी, देखो मेरिट का अनुमान आप खुद लगाओगे, खुद कैसे लगाओगे, आपके पेपर के हिसाब से, लेकिन फिर सोचते नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है, फिर से देखो बोलना थोड़ा सा आसान होता है मुझे पता है, लेकिन हम वहां पर यह चीज जरूर सोच सकते हैं, खुद पर विश्वास रख सकते हैं कि पेपर में आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपने 70 या 65-70 कर दिए, आपको लगता है नहीं यार मेरे तो 65-70 आ रहे होंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, वो भाई तो भयंकर नंबर लाता था पेपर में, उसको तो ज्यादा आ रहे होंगे, उसने ज्यादा, पेपर तो आसान है मेरे कम आ रहे हैं, आपको उससे मतलब नहीं है। 700-800-900 पोस्टें हैं, ठीक है, अगर आप बेसिक गलतियां ना करो ना सिलेक्शन पक्का है। फिलहाल आपको मेरिट में आना है, कट ऑफ से ऊपर आना है, तो उसके लिए आपका देखो बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, खुद पर भरोसा रखें, बेसिक गलतियों से बचें, रोल नंबर अच्छे से भरें, सारी चीज़ों को ध्यान से करें और अच्छे से आपका हो जाएगा। गुड लक सभी लोगों को, शुभकामनाएं, जल्दी शायद इसका रिजल्ट भी 16 तारीख को कुछ खुशखबरी मिलने वाली है सभी को, है ना। चले तो मिलेंगे फिर आगे आपको, धन्यवाद।